विजयपुर इलाके के जंगल से हथियारधारी 8 बदमाशों ने 3 चरवाहों का अपहरण कर लिया। तीनों चरवाहों का देर रात 10 बजे तक कोई सुराग नहीं लग सका। दिन भर जंगल की खाक छानने के बाद पुलिस भी जंगल से वापस लौट आई है। उधर बदमाशों ने गंजनपुरा गांव निवासी अपहृत गुड्डा के बेटे मल्लू के मोबाइल पर फोन करके तीनों अपहृतों को छोड़ने के एवज में 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। बदमाशों का फोन आने के बाद गंजनपुरा गांव के ग्रामीणों ने रात के समय पंचायत बुलाई है। इस पंचायत में अपहृतों के परिजन, गांव के पंच, पटेल और बुजुर्ग शामिल हुए, जिन्होंने बदमाशों को रकम इकट्ठा कर फिरौती देने की बात पर सहमत बनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें डर है कि पुलिस के भरोसे पर रहेंगे तो बदमाश लोगों की हत्या कर देंगे। पिछले साल भी इस गांव के एक युवक का अपहरण हुआ था, तब भी ग्रामीणों ने रुपए इकट्ठा कर 8 लाख रुपए की फिरौती बदमाशों को देकर अपहृतों को छुड़ाया था। अब भी ग्रामीण इसी तरह से अपने लोगों को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाने की तैयारी में है। अगर रात के समय बदमाशों को फिरौती की रकम पहुंचती है तो सुबह तक सभी अपहृत मुक्त होकर घर वापस लौट आएंगे। पुलिस अधिकारी लोगों को जल्द छुड़ाने की बात तो कह रहे हैं लेकिन उनके दावे खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जंगल में आए बदमाश राजस्थान के बताए जा रहे हैं। जो 4 लोग उनसे छूट कर आए हैं, उन्होंने बताया कि वह राजस्थानी भाषा में बात कर रहे थे। अब अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं यह राजस्थान में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश केशव गुर्जर का हाथ तो नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार इस बदमाश के पीछे पड़ी है। केशव गुर्जर राजस्थान से गायब है और दावे किए जा रहे हैं कि इसकी लोकेशन श्योपुर जिले के जंगलों में है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह किस गैंग का काम है। SP आलोक कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है, हर संभव कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी अपहृतों को मुक्त करा लिया जाएगा। हमारी पुलिस टीमें रात में भी सर्चिंग कर रही हैं। बदमाश कितने भी सातिर क्यों ना हो, पुलिस से ज्यादा समय तक नहीं बच सकेंगे।